फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज हम अपडेट देने वाले हैं संडे की, तो संडे अपडेट और साथ में जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरी सिस्टर्स हैं, सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए ये नया साल, तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। तो चलिए हम दिखा देते हैं अपने गार्डन थोड़ा सा, उसका ओवरव्यू। यहाँ पे देखिए, मैंने अपने एरिया में छोटी सी पतली सी दीवार में रखे हैं। थोड़ा रिस्की है, नीचे गिरने का भी डर है अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो, पर फिर भी इनको धूप जरूरी है। इस समय सारे मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं, इसलिए मैंने इनको सबको इस तरह से वॉल पे शिफ्ट कर दिया है। देखिए जितनी भी ग्राफ्टिंग है सभी में अब कलियाँ भी बनने लगी हैं। सभी में देखिए यहाँ पर कलियाँ बन रही हैं, फूल भी आ रहे हैं। ये देखिए सभी में कलियाँ बन गई जितने भी मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एडेनियम की सीडलिंग भी की है, देखते हैं ग्रो होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मेरे सीड भी वेस्ट हो जाएंगे। पर फुल सनलाइट में मैं इनको दिन भर रखती हूँ, रात में मैं इनको छाया में रख लेती हूँ, अंदर रख लेती हूँ। इधर देखिए तो ये सारे इस तरह से मैंने शिफ्ट किए। देखिए कितने सुंदर सुंदर कलियाँ बनी हुई हैं। जितने भी ग्राफ्टेड प्लांट मैंने सितंबर में ग्राफ्ट किए थे सभी में कलियाँ लगभग बन गई हैं। ये देखिए फ्लावर भी खिलने शुरू हो गए हैं। ये 3 लेयर का फ्लावर है, बहुत ही प्यारा सा। और लगभग 50 प्लांट मेरे अच्छे से सक्सेस हो चुके हैं, कुछ प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए हैं। इधर देखिए येलो कलर का है, ये भी बंचेस में बिल्कुल फ्लावर आया हुआ है इसमें। और तो एडेनियम की ग्रोथ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद हो गई ग्रोथ होना। यहाँ पर भी देखिए कलियाँ आई हुई हैं। इधर ये हिबिस्कस है, कल खिले हुए थे फ्रेश फूल, कल नहीं परसों से खिले हुए थे, परसों खिले थे, कल भी फ्रेश थे, आज लेकिन थोड़ा सा इनका कलर डल हो गया है। इधर भी देखिए ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं जिनमें अभी न्यू न्यू पत्तियाँ निकलनी शुरू हुई हैं। देखिए आप यहाँ पर, और सभी में न्यू पत्तियाँ आनी शुरू हुई हैं। अभी देखिए जितनी भी है न्यू ग्रोथ सभी में दिखाई दे रही है। तो ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है इस समय, ठंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है इस समय, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी निकलती है, धूप काफ़ी तेज़ निकलती है। इधर देखिए मेरा रेड वाला हिबिस्कस है जिसको मैंने दीवार पे ही रखा हुआ है, इसकी मिट्टी आज ड्राई हो गई है, मुझे पानी देना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखिए, इधर देखिए इनके प्लांट है, ऑर्नामेंटल कैबेज का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो रहा है। इधर जरबेरा है, ये रेड वाला जरबेरा मेरा हाइब्रिड वाला। ये देखिए टच मी नॉट का प्लांट, इसको हम छुएंगे तो ये देखिए यह मेरा बेटा लेकर आया था, मतलब उसको पसंद आया था तो हमने लिया था, वहाँ पर गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था इसको। और देखिए कलांचों में सभी में बर्ड्स बन चुकी हैं, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, काफ़ी सुंदर इसमें 3 लेयर के फूल आते हैं मल्टीपेटल। और ये सिल्वर डस्ट का प्लांट है, पीछे पेंजी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बिगोनिया है। इसका प्लांट थोड़ा सा कल ड्राई हो गया, 2 दिन से इसकी मिट्टी सूखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल सूख गया था। कल मैंने पानी दिया तो थोड़ा सा ठीक हो गया, फ्लावरिंग कम हो गई, पूरे फूल झड़ गए इसके। ये देखिए ग्लेक्सोनिया जो मैंने सीडलिंग लाकर लगाई थी, अब ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दिख रही है। मैंने इसमें भी थोड़ा सा एनपीके वाला फर्टिलाइजर दिया। और इधर हाइड्रेंजिया की भी थोड़ी सी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, एकदम से बंद हो गई थी, तो इसको भी मैंने एनपीके ही दिया है, तो उससे देखिए इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और ये ग्लेक्सोनिया का प्लांट है जो मैं न्यू लेकर आई थी, इसमें 2 बर्ड्स आई हुई हैं साइड से अभी, लेकिन ये बढ़ी नहीं है, पता नहीं कब तक मैं खिलेगा, बिल्कुल अंदर दबी हुई हैं इसकी बर्ड्स पत्तियों के बीच में। इधर हमारे जेट प्लांट है जो कटिंग से लगे हुए, ये देखिए कलांचो सभी में कलियाँ आ गई हैं। और इधर दिखा दो तो ये मेरा पिंक वाला हिबिस्कस है, अब कलियाँ देखिए इसकी, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इस समय। इधर सारे मेरे सकुलेंट हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, जो मैंने लीफ और कटिंग से लगाए थे। यहाँ पर भी कलांचो है, इधर देखिए हैंगिंग बास्केट में लगे हुए कुछ प्लांट। और ये सिनेरिया का प्लांट भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर रहा है, ये भी जब लेकर आई थी तब बहुत ही मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं था, ऊपर से रूट बॉल भी सारी खुल गई थी जब रिपोर्ट किया था। ये कुछ हैंगिंग बास्केट में लगे सकुलेंट हैं, कुछ ग्रो हुए हैं पत्तियों से। और यहाँ जेरेनियम की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही, 3 प्लांट मैंने बेबी प्लांट ऐड किए थे तो अब इनकी ग्रोथ अब दिखने लगी। इनमें भी मैंने एनपीके का ही फर्टिलाइजर दिया है, एनपीके 19:19:19 का लिक्विड बनाकर दिया था। ये देखिए ऑरेंज कलांचो है जो कलियों से पूरे भरे हुए हैं, एक प्लांट से मैंने देखिए कितने सारे प्लांट तैयार किए। ये इसका मदर प्लांट है और इसकी कटिंग से ये लगाया था, उसके बाद ये भी अभी कुछ टाइम पहले कटिंग लगाई थी जिसको मैंने रिपोर्ट कर लिया, आज मिट्टी इसकी सूखी, इसको पानी देने पड़ेगा। इसमें 6-7 कटिंग लगी हुई है, देख सकते हैं आप सभी में कलियाँ आ चुकी हैं। और ये भी यहाँ पे मैंने कटिंग से लगाया है, 3 कटिंग यहाँ पर भी लगी हुई है, तो लगभग काफ़ी सारे प्लांट, मतलब एक प्लांट से इतने प्लांट हो गए, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मैंने रेड वाले, ये पिंक, यहाँ पर देखिए मेरे सारे इंडोर प्लांट हैं। रात में मैं यहाँ पर एडेनियम अपने उठा कर रखती हूँ जो मैंने वहाँ पे दीवार पे रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली है। और ये देखिए इंडोर प्लांट भी काफ़ी अच्छे हेल्दी चल रहे हैं, और ये थोड़ा सा पॉलीथिन से कवर रहता है ये वाला एरिया यहाँ पर। जितने भी आपके इंडोर प्लांट हैं आप उनको थोड़ा तेज़ कोहरे और
तेज धूप में भी नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा लाइट एरिया में आपको रखना है ताकि हेल्दी रहें। फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, मैं तो नॉर्मल सिर्फ पानी बस देती हूँ। फर्टिलाइजर वैसे भी साल में एक बार ही देती हूँ, या तो रिपोर्ट करती हूँ तभी देती हूँ, नहीं तो मैं बार बार इनमें फर्टिलाइजर देती भी नहीं हूँ। तो देखिए, तो ये देखिए हमारा ब्लू कलर का पिटूनिया, थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा थोड़ा वाइट है, बाकी पूरा ब्लू कलर है। फूलों का जो साइज़ है थोड़ा छोटा आ रहा है, तो सीडलिंग से ही लगाया था मैंने, छोटी मतलब 10 रुपीज़ की सीडलिंग ला करके इसको लगाया था प्लांट को, अभी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर, लेकिन फूलों का जो साइज़ है वो छोटा है। इधर देखिए हमारा जेट प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ, कितना ज़्यादा अच्छा है। इसको मैं कुछ नया सा लुक दूंगी, थोड़ा अलग बना करके टोपियारी जैसा। ये देखिए हिबिस्कस, हिबिस्कस बहुत अच्छे से ब्लूम्स कर रहे हैं, येलो कलर के। ये सारे मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, अभी सितंबर में मैंने कटिंग लगाई थी। नीचे भी देखिए ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं, और यहाँ पर भी देखिए बहुत अच्छे खिल रहे हैं। और इधर देखिए एडेनियम में फ्लावरिंग फिर से अभी स्टार्ट हो रही है, अभी भी कलियाँ आ रही हैं देखिए। तो कुछ प्लांट मैंने डोरमेंट से एकदम से चले गए, जैसे ये देखिए बिल्कुल इनकी जो लीफ थी सारी झड़ गई, लेकिन अभी न्यू ग्रोथ भी शुरू हो गई। देखिए इतनी ठंड में भी न्यू ग्रोथ इनमें होने लगी है। तो और ये डहेलिया जो मैंने कटिंग से लगाए थे पिंचिंग से, और ये देखिए कितने ज़्यादा हाइटेड हो गए हैं, इनकी मैंने पिंचिंग भी नहीं की थी अभी, लेकिन कर दी है। कुछ प्लांट की है, कुछ की नहीं की है, अब देखती हूँ इतने में ही फ्लावरिंग करेंगे। मैं इनको ग्रो मतलब रिपोर्ट भी नहीं करूँगी अब। और इधर अस्टर में देखिए बहुत सुंदर सुंदर कलर निकल करके आया है, ये देखिए कितना प्यारा सा है। और छोटे छोटे 5-5 रुपए की सैपलिंग से लगे हुए प्लांट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए इसमें भी वाइट कलर निकल करके आएगा, ये पिंक है, ये भी पिंक, ये पिंक है, और ये भी शायद वाइट ही आएगा, एक येलो कलर भी है। इधर सारे मैरीगोल्ड हैं जो कटिंग से लगे हुए हैं। आज मैंने अपने गार्डन में अभी पानी नहीं दिया है, क्योंकि कल शाम को मैंने फर्टिलाइजर भी दिया था कुछ प्लांट में, कुछ में तो नहीं दिया, सभी में तो नहीं दिया था, लेकिन कुछ प्लांट में दिया था। इधर देखिए डॉग फ्लावर है येलो कलर का, और ये भी जेड प्लांट है, बहुत अच्छे कटिंग से लगा हुआ, कई इसमें तो 3 कटिंग लगी हैं। और ये मैरीगोल्ड है, देखिए मैरीगोल्ड के सूखे फूलों को आपको हटाते रहना है, आप चाहे तो इनको ग्रो भी कर सकते हैं अगर इनके सीड मैच्योर हो गए हों तो। ये देखिए तो अगर सूखे फूल हटाते रहेंगे तो इसमें नए नए फूल अभी आते रहेंगे। ये देखिए डहेलिया एक ग्रो बैग में ही लगा है छोटे से, और देखिए कितना अच्छा हेल्दी है। एक क्रिसेंथियम ये है जो नर्सरी से लाई थी, इसमें अभी कलियाँ वगैरह नहीं आई क्योंकि मैंने पिंचिंग कर दी थी, तो अभी सिर्फ ग्रो ही हो रहा है। ये भी डहेलिया देखिए थोड़ा फंगस का प्रॉब्लम इसमें हो रहा है, और फंगिसाइड इस समय था नहीं तो मैंने किया नहीं स्प्रे। गुमफेरना के प्लांट, इसमें देखिए एक बालसम ग्रो हुआ जो रेनी सीजन वाला बालसम है। इधर साल्विया है, उधर पिटूनिया है, बोगनवेलिया भी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है, मैरीगोल्ड है जो देसी वाले जाफरी हैं, और देखिए डेंथस है। साल्विया की पिंचिंग करनी है, देखिए उसके फूल अब झड़ने शुरू हो गए हैं। ये डहेलिया देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ, बिल्कुल बंचेस में इसके फूल आए हुए हैं। और एक कली जो है देखिए बिल्कुल रेड कलर की दिख रही है, ये वाली कली देखिए आप, बाकी सारे ऑरेंज कलर के हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एक साथ इसमें इतने ढेर सारे फूल खिले हैं, रेड वाले में भी इसी तरफ खूब सारे। यहाँ पर देखिए गजानिया में फूल आने लगे हैं कुछ फूल, अब देखिए धूप अब पड़ेगी तो धूप में से ये खिलते हैं, जब छाया रहती तो इनके फूल खिलते नहीं हैं, और जहाँ सूरज की रोशनी अच्छे से जब इनको लाइट पड़ती है तभी ये खिलना स्टार्ट होती है। देखिए कलर अलग अलग कलर निकल करके आए हैं, सारे सैपलिंग से लगे हुए प्लांट, ये डेंथस है और ये वर्बीना है, देखिए कितना प्यारा सा, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। इधर देखिए इसमें भी कलियाँ बन गई हैं, इसमें भी शायद वाइट कलर आएगा, एक वाइट देखिए ये है। इसमें हनी बीज बिल्कुल दिन भर लगे रहते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने ज़्यादा हनी बीज हैं, दिन भर पराग निकालते रहते हैं, रस निकालते रहते हैं इससे, और बहुत अच्छा लगता है। और कुछ मैं इंसेक्टिसाइड वगैरह भी अपने गार्डन में नहीं यूज करती हूँ, इसलिए इनके लिए अच्छा है। ये देखिए उधर हाइब्रिड विनका है, पीछे पेंटास हैं 2-3 कलर के, और ये डहेलिया है, और एक डहेलिया और आज इसमें मिट्टी ड्राई है। ये छोटे से सिर्फ 4-5 इंच के गमले में लगा है, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा बड़े में शिफ्ट कर दूँ। और यहाँ पर डेंथस है, देखिए डेंथस बहुत सुंदर है, डेंथस के कलर बहुत प्यारे प्यारे से हैं, जितने भी कलर निकल करके आए सारे 5 रुपए की सैपलिंग से लगाए थे मैंने, और सभी के कलर सबके अलग अलग निकल करके आए, जो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए वर्बीना, एक मैंने कटिंग से भी लगाया वर्बीना कहीं पर, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी और कटिंग ग्रो हो गई है, और देखिए फ्लावर भी खिल करके ख़त्म भी हो गया है, ये अंदर ही रखा रह गया, छुपा के मैंने रखा था इसको। ये मैरीगोल्ड भी सारे कटिंग से लगे हुए हैं, देखिए कितने बिग साइज़ के मैरीगोल्ड, देखिए कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये डॉग फ्लावर है, और इसमें थोड़े पिंकिश से कलर के आते हैं, लाइट पिंक है, ये डार्क पिंक है। एक और ही ये मैंने 5 रुपए की सैपलिंग से लगाया था, ये देखिए ये भी अच्छा ग्रो कर गया, मुझे लगा था ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ एक ही प्लांट लेकर आई थी,
₹5 वाला। ये पिटूनिया के कलर देखिए, अच्छे लग रहे सारे। इस बार रेड नहीं है मेरे गार्डन में, रेड कलर मिला ही नहीं। और इधर कैलेंडुला है। इनके सूखे हुए फूलों को आपको हटाते रहना है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप फर्टिलाइज़र और मस्टर्ड केक दे सकते हैं। मैंने जो कल फर्टिलाइज़र दिया था आप उसको भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखिए एक पर्पल कलर का वर्बीना है, ये भी सैपलिंग से लगाया था। और ये पिंक कलर का है, बहुत प्यारा सा कलर ये भी निकल करके आया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये एक ग्रैंथस की कटिंग लगाई थी, ये भी ग्रो हो गई है, देखिए फूल भी दे रहा है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा कॉक्सकॉम का प्लांट है, अपने आप ही ग्रो हुआ था तो मैंने लगा दिया था। कैलेंडुला की भी इस तरह से आपको पिंचिंग करते रहनी है, इसके सूखे फूल आपको हटाते रहने हैं। ये देखिए और स्ट्रॉबेरी में भी हमारे फ्रूटिंग शुरू हो रही है। इनमें थोड़ी सी मल्चिंग करनी थी कि इसका फ्रूट टच हो गया मिट्टी में तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे या तो मैं कुछ पत्थर वगैरह रख दूँगी या तो कुछ राइस हस्क से मल्चिंग कर दूँगी इसकी। तो थोड़ी सी मल्चिंग ज़रूरी होती है इनके फ्रूट को अच्छे सिक्योर करने के लिए, सेफ़ रखने के लिए, नहीं तो ये सड़ जाते हैं जैसे ही मिट्टी में टच होते हैं। ये देखिए दो स्ट्रॉबेरी हमारे पक चुके हैं। और इधर वाइट पिटूनिया है, ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, लेकिन इसका प्लांट थोड़ा सा इतना लंबा हो गया कि खड़ा नहीं हो पाता सीधा सीधा, ये इसको स्टिक लगानी पड़ रही मुझे। जिधर से लगाती हूँ तो दूसरी तरफ को ये लुढ़क जाता है। देखिए फूल तोड़ा तो पता नहीं क्या टूट गया। इनकी भी पिंचिंग आपको करते रहनी है, मतलब इसके जो सूखे हुए फूल हैं उसको आपको हटाते रहना है टाइम टू टाइम। ये वाइट मैरीगोल्ड है, तो जितने भी मैरीगोल्ड की वैरायटी है आपके पास उनको आपको सूखे फूल उनके बिल्कुल निकालते रहना है, ताकि आपके प्लांट अच्छी नई नई कलियाँ बना सके और हेल्दी फ्लावरिंग दे सके। ये भी डहेलिया है, देखिए दो सनफ्लावर मैंने ऐड किए थे, ड्वार्फ वाले हैं, और देखिए इनमें फ्लावर आ गया है, कलियाँ आ गई है, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं ये। और इधर सारे हमारे मैरीगोल्ड हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैरीगोल्ड। इधर क्रिसेंथम है, ये डहेलिया एक और यहाँ पर ब्लूम्स हो रहा है। और इधर एक नस्टर्शियम का एक ही प्लांट है, अपने आप सीड से ग्रो हुआ था, सीड पड़े रहे होंगे, मैंने सीड जो डाले वो ग्रो ही नहीं हुए, पता नहीं क्यों नहीं हुए, शायद पुराने हो गए ज़्यादा या फिर अच्छे से मेच्योर नहीं रहे होंगे। इधर अलाइसम भी लगा हुआ है, ये देखिए गजानिया की ये कलर भी है, बहुत प्यारा सा कलर है। और कैलेंडुला है इधर भी, उधर भी कैलेंडुला है। ये हमारे हाइब्रिड कनेर है जो ये अभी भी फ्लावरिंग थोड़ी थोड़ी करते रहते हैं। इधर देखिए अडेनियम है, इनमें भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, देखिए बच्चे से फूल आए हुए हैं, बस इस बार सीड पॉड नहीं बना पता नहीं क्यों, जबकि यहाँ पे हनी बीज और बटरफ्लाई दिन भर घूमते रहते, फिर भी इसमें सीड नहीं बने इस बार। नई नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो चुकी है, देखिए बाकी लोगों का डोरमेंट से चल रहा है लेकिन मेरे प्लांट में देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। और मैं सोच रही इसमें थोड़ा बहुत कुछ फर्टिलाइज़र दे दूँगी अगर, तो ये बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ कर लेगा। इस पर मैं इसकी प्रूनिंग भी सोच रही हूँ ना करूँ, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी ब्रांच निकल रही हैं जगह जगह से, पूरे मतलब प्लांट ही ब्रांच से भर जाएगा। तो रिपोर्टिंग तो कर दूँगी क्योंकि काफ़ी बिग साइज़ का कोडेक्स है, और थोड़ा और ऊपर उठा करके इस बार लगाऊंगी मैं, लेकिन सोच रही हूँ प्रूनिंग ना करूँ, क्योंकि वैसे भी प्रूनिंग ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस की नहीं, सिर्फ यही दो ब्रांचेस की ज़्यादा लंबी हुई थी, ये वाली देखिए, ये वाली और ये वाली, एक ही है, बाकी सारी शेप में ही है। तो अगर कट करूँगी तो इन्हीं दो को करूँगी, बाकी को नहीं करूँगी। और देखिए कैसे बंचेस में फ्लावर दे रहा है बिल्कुल। इधर सारी सैपलिंग ही है, तो सैपलिंग में अभी आप चाहें तो जो सीवेड एक्सट्रैक्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, या तो उसका लिक्विड बना करके दे सकते हैं, क्योंकि सैपलिंग की ग्रोथ थोड़ी थोड़ी होती ही रहती है, इसमें न्यू ग्रोथ होती रहती है। और इधर देखिए हमारे सारे क्रिसेंथमम हैं जो बिल्कुल अब खिल चुके हैं। और यहाँ पर देखिए हनी बीज, ये अडेनियम भी है, कुछ अडेनियम तो ऐसे हो गए मेरे तो गमला बिल्कुल फटने को तैयार है। ये देखिए इनका कोडेक्स इतना ज़्यादा अंदर चला गया है कि ऐसा लगता है गमला ही टूट जाएगा, पूरा फट जाएगा गमला। तो बस 15 दिन का और वेट करूँगी, 15 दिन के बाद मैं इनको गमले से बाहर निकाल लूँगी, फिर तो गमला भी सेफ रहेगा, नहीं तो टूट सकता है वो। और आप चाहे तो अभी भी निकाल के रख सकते हैं, लेकिन जो छोटे प्लांट हैं उनको मत निकालिए, कम से कम साल, एक साल दो साल के प्लांट को ही निकालिएगा। इधर देखिए वाइट अडेनियम है, ये भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है, देसी ही है। और ये पिंक वाले के प्लांट बीज से ही मैंने इसको ग्रो किया था, तो ये वाइट कलर निकल करके आया है, ये देखिए। और इधर भी एक स्ट्रॉबेरी है, देखिए अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी इस समय, ये देखिए तीन बच्चे हैं और तीन फ्रूट तैयार हो गए मेरे गार्डन में, एक एक तीनों के लिए हो जाएगा। और ये डहेलिया देखिए, ये डहेलिया पूरा कलियों से भरा हुआ डहेलिया मेरा, देखिए आज फ्लावर बहुत अच्छे से खिल चुके हैं इनके। कल भी मैंने आपको दिखाया था डहेलिया पे फर्टिलाइज़र दिया था, कितनी सुंदर इन्हें ब्लूमिंग चल रही है। अभी मैंने आज पानी नहीं दिया है, अभी तो थोड़ी देर में लाकर इनको पानी दे दूँगी।
इधर सारे क्रिसेंथम हैं, ये देखिए यहाँ से येलो कलर की, ये अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए रोज़ के फ्लावर, अब रोज़ के फ्लावर भी मैं कुछ कुछ कट कर दूँगी ताकि इनमें नई नई ग्रोथ हो। और ये देखिए जो सूखे फूल हैं आप उनको हटाते रहिए बीच बीच में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। साथ ही फर्टिलाइज़र भी दीजिए, एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते रहिए बीच बीच में, और साथ में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट भी देते रहिए ताकि इनको फूड मिलता रहेगा, तो ये अच्छी फ्लावरिंग करते रहेंगे पूरा। अभी विंटर तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और इधर देखिए इसमें भी कितनी सारी कलियाँ फिर से आ गई हैं, कुछ फूल भी खिले हैं, ये देखिए सभी में न्यू न्यू कलियाँ फिर से आ गई हैं, तो फूल खिलते जा रहे हैं। बस ये है कि आगे पीछे खिल रहे हैं, एक साथ सारे नहीं खिल रहे। पिछली बार जब खिले थे तो एक साथ खिले थे, बहुत ज़्यादा फूल खिले थे। और अभी देखिए अब इनके फूल झुकने लगे, आज मैंने पानी नहीं दिया गार्डन में, ये कलियाँ देखिए झुक रही हैं, इनको पानी की ज़रूरत है, तो सुबह नहीं दे पाई आज मैं, और अभी आकर के दे दूँगी पानी। उधर मैं आपको दिखाऊँगी तो बालसम एक ग्रो हुआ, बहुत प्यारे प्यारे फूल उस पर भी खिल रहे हैं, वो देखिए। और हमारा नाग चंपा का प्लांट है, वो देखिए पीछे साइड बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। और इधर देखिए ग्लैडुलस के प्लांट है, ये इनमें मैंने थोड़ी कल मिट्टी डाली ऊपर से, क्योंकि बिल्कुल ऊपर ऊपर ही रख दिए थे बल्ब को, देखते हैं कब तक मैं फ्लावरिंग होगी। इधर देखिए जाफरी कटिंग से लगा हुआ जाफरी काफ़ी खूबसूरत है। और इधर लैंटाना में भी देखिए थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं अभी भी, कुछ खाद नहीं दी नहीं तो ये बहुत अच्छे फूल अभी भी आते। ये देखिए बरगद का प्लांट है, जिसकी मेरी बोनसाई अब अपने आप ही ये बन जाएगी, क्योंकि मैंने इसको छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। रूट्स भी बहुत सारी ओपन हो गई हैं और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा अच्छे से चल रही हैं। तो इस तरह से ये एक बोनसाई का लुक ले लेगा। नीचे मैंने टर्टल वाइन भी थोड़ी सी लगा दी थी तो वो भी ग्रो हो गई है और काफ़ी अच्छे से कवर हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और ऊपर से इसमें ब्रांचेस भी डेवलप हो रही हैं, जबकि इसका ग्रोइंग टाइम नहीं, फिर भी मैं इसकी पिंचिंग कर देती हूँ, देखिए नई नई ब्रांच निकल रही हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पिंक वाला हिबिस्कस है, जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल मतलब इसमें फूल खिलते हैं, बहुत ज़्यादा खिलते हैं। देखिए कितनी सारी कलियाँ अब आ रही हैं, अभी तक ये बिल्कुल रेस्ट पे था लेकिन अब इसकी कलियाँ खिलने लगी हैं। इधर देखिए सीड कितने सारे बने हैं मैंने करी लीफ में, करी पत्ते में, न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई, देखिए नई नई पत्तियाँ भी आनी शुरू हो गई। और इधर कुछ कटिंग से लगे हुए प्लांट थे जिनको मैंने रिपोर्ट किया था, सारे उसके हैं ब्लीडिंग हार्ट के, और एक हिबिस्कस ये भी है, ये नर्सरी से लाकर लगाया था मैंने, डबल पेटल है पर बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं इसमें। देखिए अभी अभी विंटर है इसलिए इसके फूल देखिए जैसे ऐसा लग रहा है रोज़ का फ्लावर है, लेकिन बहुत प्यारा सा है। तो इस तरह से दिख रहा हमारा गार्डन। यहाँ पर भी देखिए हिबिस्कस के फूल खिले हैं और ये इसका कोलिया से कितना प्यारा सा कलर है, देखिए बहुत ही सुंदर सा है। तो ये देखिए आपको एक बार पूरा गार्डन अपने यहीं से दूर से दिखाते हुए, इस तरह से दिख रहा हमारा गार्डन। डहेलिया के साथ डहेलिया की फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, जो बड़े वाले डहेलिया हैं, और छोटे वाले तो पहले से ही खिल रहे थे। तो बस फ्रेंड्स इधर भी देखिए, इधर का नहीं दिखाया मैंने, ये सारे डहेलिया हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, सब में कलियाँ भी आने लगी हैं, देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और DAP फर्टिलाइज़र डहेलिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। साथ में आप NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये डीनियम की जो कलियाँ आई हैं ना, बिल्कुल रेड कलर की कलियाँ, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इन्हें बहुत सुंदर फूल आने वाला है। और इधर भी कुछ हिबिस्कस रखे हैं जिनको आज पानी नहीं मिला, तो कुछ पत्ते भी पीले हो गए हैं। उधर यूफोर्बिया मिली में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, और टिकोमा भी येलो वाला भी खिल रहा है। तो इस तरह से चल रहा हमारा गार्डन। आज यहाँ पर हमने कुछ कपड़े सुखा दिए थे तो जगह नहीं है। इधर देखिए इसकी भी मिट्टी थोड़ी सूख रही है, तो ये पत्ते थोड़े से पीले हो गए हैं। पीले पत्ते थोड़ा ठंड की वजह से भी हो जाते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो भी पत्ते पीले हो जाते हैं। इधर कुछ अडेनियम की सीडलिंग है जो उनमें वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है, लेकिन वीड्स उखाड़ने से यही होगा, अडेनियम की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, मतलब नीचे से उखाड़ आएगा वो पूरा, इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you.